हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मैं रोजाना आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर्स की क्लासेस लेके आता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज डेली, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो पेपर से स्टार्ट होगा 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोगों को रेगुलर ओरिजिनल पेपर की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, रोजाना मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को मैं कोडिंग भी बताता हूँ, और जो लोग भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता हुआ कि जो भी मैंने आप लोगों की प्रैक्टिकल में तैयारी कराई हुई थी, सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, और जिन्होंने भी पीडीएफ वगैरह परचेज की थी, सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही आ रहे हैं। ओके, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि सभी स्टूडेंट्स ने, जिन भी स्टूडेंट ने पीडीएफ परचेज की थी, आज भी वही क्वेश्चन आए थे जो हमारी पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने हमारी क्लासेस देखी, क्योंकि वो कर भी पाए होंगे। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, आप लोग देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें क्या था, कोई आपको आर्डिनो की कोई कोडिंग नहीं करनी थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्या लिखा था, यूज द आर्डिनो सीरियल मॉनिटर टू राइट अ हेलो वर्ल्ड स्केच, एवरी 5 सेकेंड सेंड अ मैसेज फ्रॉम द आर्डिनो दैट सेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हर 5 सेकंड में क्या करना था, उसको मैसेज भेजना है हेलो वर्ल्ड का। तो आप चाहो तो इसको लूप से बना सकते हो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना था हमें, सबसे पहले आर्डिनो में क्या मिलता है, एक हमें मिलता है वॉइड सेटअप। तो वॉइड सेटअप में आपको क्या लिख देना है, वॉइड सेटअप के अंदर जो कोडिंग होती है उसमें आपको लिख देना है सीरियल डॉट बिगिन, ताकि क्या कर पाएँ हम अपना जो सीरियल मॉनिटर उसको क्या कर पाएँ, बिगिन कर पाएँ। तो ये जो कोडिंग रहेगी 9600 तरह से जो कोडिंग रहेगी, किस में आ जाएगी, आपके वॉइड सेटअप वाले मेथड में आ जाएगी। इसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है हमें यहाँ पर, फाइव, हर एक 5 सेकंड में हमें प्रिंट करना है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो 5 सेकंड में आपका हेलो वर्ल्ड वहाँ पे प्रिंट होगा। तो वॉइड लूप का काम ही क्या होता है, बार बार उसको चलाना। तो वॉइड लूप आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। वॉइड लूप लगाने के बाद, 1 मिनट, जैसे अगर आप लोग वॉइड लूप यहाँ पर लगाएंगे, तो वॉइड लूप लगाने के बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, आपको यहाँ पर लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे इसमें डबल कोट्स के अंदर आपको लिख देना है हेलो वर्ल्ड। जैसे ही आप यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसी कोडिंग के जस्ट बाद आप लोगों को लिख देना है डिले। डिले कितना दे देना आपको यहाँ पर, 500, 5 सेकंड दिया तो 5000 आपको दे देना है, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो 5 सेकंड में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर बार बार प्रिंट होकर दे देगा। जैसे कि आप लोगों को LED मैंने ब्लिंक करना सिखाई थी, उसी तरह से आपका ये वाला प्रोग्राम भी होगा। ओके, तो ये सिंपल सी कोडिंग थी, पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था, ये मैंने पहले ही बोल रखा था, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू सेंस एन एयर क्वालिटी इंडेक्स बाय यूजिंग द MQ135 गैस सेंसर। ठीक है, मैं और इसमें क्या लिखा हुआ था, यू नो एंड द, जो सीधी सी बात है, आपको क्या करना था, MQ135 गैस सेंसर वाला प्रोग्राम यहाँ पे बना देना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोगों को कभी भी कोई कोडिंग छोड़ना नहीं है, समझ में आया नहीं आया मैंने ऑलरेडी बताया, कोई भी एक चीज़ मिल जाए आपको उसी का प्रोग्राम वहाँ पर बना देना। ओके, इसमें आपको वही सिंपल सी कोडिंग लिख देनी थी, जो कि हमारा क्या था, गैस सेंसर वाला प्रोग्राम था। उसमें हम लोग क्या करते थे, एनालॉग पिन से जोड़ते थे। तो वॉइड लूप सीरियल मॉनिटर वाली कोडिंग हमारी सेम रहेगी। अभी हमें क्या लिखना था, वॉइड लूप वाला, वॉइड सेटअप वाली कोडिंग सेम रहेगी। हमने मान के चलिए कि हमने जो पिन कनेक्ट कर ली, हमने यहाँ पर एयर क्वालिटी रीड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, जिसको हमने किससे, एनालॉग रीड, क्योंकि हम इसको किससे कन्वर्ट करते थे, किससे हम लोग जोड़ते थे उसको, एनालॉग रीड वाले फंक्शन से हम लोग उसको जोड़ते थे। तो इस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, एनालॉग int सिग्नल इज इक्वल टू एनालॉग रीड, और हमने यहाँ पे मान लिया कि हमने जो सिग्नल रीड किया वो A0 वाले पिन पर रीड किया। ठीक है, तो सिग्नल आया वो किस में आ गया, आपका A0 वाली पिन में आ जाएगा। मतलब जो हमारा वेरिएबल था, int air नाम का एक वेरिएबल ले लेना है, int air इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रोग्राम मिल जाएगा, यहाँ लिख देना आपको एनालॉग, जो मैंने अभी बताया था रीड, इसके बाद आपको A0 लिख देना। अब आपका जो वेरिएबल होगा इसमें क्या हो जाएगी, आपकी एयर क्वालिटी आ जाएगी। तो आप लोग चाहो तो एक मैसेज लिख सकते हो, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, जैसे इसमें लिखा है एयर क्वालिटी, तो आप लिख देना सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, एयर क्वालिटी है किसके अंदर, एयर क्वालिटी आपके किस वेरिएबल के अंदर है, जो एयर क्वालिटी है आपने देखा है कि अभी हमने एक वेरिएबल जो लिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग किस में थी, हमारे एयर नाम के वेरिएबल में। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से यहाँ पे प्रिंट कर देना है। कैसे प्रिंट कर देना है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, आप प्रिंट भी लगा सकते हैं, इसमें आपको जो हमने वेरिएबल लिए थे एयर नाम का, उस वेरिएबल को प्रिंट कर देना, फाइनल ब्रैकेट क्लोज कर देना। अभी मैंने कुछ देर पहले ही, जैसे ही हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तो मैंने 4 बजे आप लोग के लिए क्लास अपलोड की हुई थी पाइथन के ओरिजिनल पेपर्स की। अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा आज रात के 9 बजे तक आप लोगों को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। ओके, अगर आप लोग ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको इसी टाइम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिपीटेडली टर्न बोथ द वाइब्रेशन मोटर एंड सिंगल कलर LED ऑन द 4 सेकंड एंड देन
फॉर 4 सेकंड। सीधी सी बात है, आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आप तो सीधा सीधा क्या कहते हैं, एलईडी को 4 सेकंड तक आप लोगों को 4 टाइम्स ऑन करना है, लूप लगा सकते हैं, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, और ये आपका चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन अ इंप्लीमेंट एंड इंटरफेस IR सेंसर विद द रास्पबेरी पाई इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट थ्योरी डायग्राम कोडिंग। मतलब कुल मिला के वो IR सेंसर वाला जो मैंने आपको एक प्रोग्राम पढ़ाया था जिसमें कि आप लोग क्या करते थे, स्टेटस चेक करते थे। IR सेंसर में हम लोग क्या करते थे, स्टेटस चेक करते थे इफ लगा के। अगर स्टेटस हमारा क्या है, इफ स्टेटस इक्वल 1, ठीक है, अगर स्टेटस इक्वल 1 तो इस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, जो हमारा अगर हमें LED की बात करें, यहाँ पे बताया था कि हमें इसमें कोडिंग के साथ बताना, तो यहाँ पे IR सेंसर इज वर्किंग एल्स में नॉट वर्किंग, सीधा सीधा प्रोग्राम था। ओके, सारा मैंने PDF में ऑलरेडी दे दिया था, तो आप लोग जरूर देख लीजिए प्रीवियस क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूजिंग द Arduino सीरियल मॉनिटर राइट द स्केच वेयर यूजर कैन टर्न ऑन अ सिंगल LED बाय टाइपिंग 1 एंड द टर्न ऑफ द LED बाय टाइपिंग 2, ठीक है। तो सीधी सी बात है, LED ऑन कब होती है हमारी, जब सिग्नल हमारा 1 होता है, ठीक है। तो यूज़र क्या कर देंगे, अगर देखा जाए तो LED के लिए हम लोग क्या करें, इसको यूज़र पर डिपेंड करा दें, मतलब कि हम वहाँ पे कंडीशन लगा दें इफ़ यूज़र एंटर 1, है ना, तो क्या हो, LED ऑन हो जाए। जिस तरह से मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंट दे देता हूँ, हमें एक यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो इनपुट ले लीजिए, नहीं तो आपको सीधा क्या कर देना, इनपुट लेने का इफ़ अगर मान के चलिए I में वो इनपुट ले रहा है, तो हमने अगर यूज़र एंटर क्या कर रहा, 1 कर रहा, इफ़ I इक्वल 1, तो इस कंडीशन में क्या हो जाए, आपकी LED ऑन हो जाए। LED ऑन कैसे होती है हमारी, तो इस कंडीशन में आप क्या कहें, इफ़ यूज़र ने अगर 1 एंटर किया तो LED ऑन हो जाए। LED ऑन कैसी होती है हमारी, डिजिटल राइट लगाएंगे, डिजिटल राइट में मान के चलिए मैंने उसको 2 नंबर की पिन पे जोड़ा और यहाँ पर लिख देना आपको 1 लिख देना, 2,1 और उसका सेमी कॉलन। और अगर अब देखिए else में 2 आप चाहो तो else लगा दो, अदरवाइज जो भी एंटर करे मान के चलो उसने 2 किया, आप चाहो तो else लगा दो, नहीं तो आप लोग क्या लगा सकते, फिर लिख सकते इफ़ I इक्वल 2, तो क्या हो जाए, आपकी LED ऑफ हो जाए। जैसे लिखा है LED टाइपिंग द 2 LED टर्न ऑफ, तो उस कंडीशन में जो कोडिंग होगी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे डिजिटल राइट 2,0, तो ये कोडिंग आपको इस तरह से इसमें करनी है। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, क्योंकि दोनों शिफ्टों के पेपर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, जो दोनों शिफ्ट में आज हमारे पेपर्स आए हुए थे। ओके, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथन राइट अ प्रोग्राम टू सेंस द इंटेंसिटी ऑफ द डेलाइट यूजिंग द LDR सेंसर एंड डिस्प्ले द डेटा ऑन द बोथ LCD सीरियल मॉनिटर। देखिए कुछ भी हो आप लोगों को प्रोग्राम लिख देना है सीरियल मॉनिटर पे, कुल मिला के जो LDR सेंसर वाला प्रोग्राम था, 2 दिन पहले ही मैंने इसकी क्लास अपलोड की हुई थी, क्योंकि 2 दिन पहले क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें प्रोग्राम्स वगैरह भेज दूंगा। और जो भी लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें वो उसमें ज्वाइन रहें, क्योंकि 18 जुलाई से मैं आप लोगों के लिए MCQs की भी तैयारी करवाना स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ग्रुप में बिल्कुल से जुड़े रहें और ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। तो वही है LDR स्टेटस हम लोग चेक करते थे, अगर 1 होता था तो हमें क्या करना था, LED को ऑन करना है, और अगर यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि ये रहा प्रोग्राम, इंटेंस यूज LDR सेंसर डिस्प्ले द डेटा ऑन बोथ LCD एंड एज वेल एज Arduino मॉनिटर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी मैं इसको करवा चुका हूँ। तो 2 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में आप लोग के पेपर्स हुए हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आए थे, इवनिंग शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आए थे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है जो मैंने अपलोड किए हैं 10, 11 जुलाई, 9 जुलाई के पेपर्स, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस अभी हमारे 9 जुलाई को आए थे, तो आज हमारे ये 12 जुलाई को भी आ गए, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे। ओके, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बेल आइकन भी प्रेस करिए, साथ ही साथ अगर आपने अभी हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। ओके, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आप लोग के लिए पाइथन का, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, शायद 9 बजे तक आप लोग के लिए पाइथन की मैं क्लास अपलोड करूंगा सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।